हिंदवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स क्विज सीरीज। यह सीरीज जेपीएससी एवं जेएसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राज्य विशेष घटनाक्रम संग्रह की कड़ी में झारखंड करंट अफेयर्स क्विज सीरीज का पहला अंक। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर से की? ए रांची, बी भोपाल, सी नागपुर, डी अहमदाबाद। सही जवाब है रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से की। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। अगला सवाल, वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कॉफी उत्पादकों के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? ए कॉफी इंडिया, बी कॉफी बाजार, सी कॉफी कनेक्ट, डी कॉफी डिजिटल। सही जवाब है कॉफी कनेक्ट। वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कॉफी हितधारकों के लिए डिजिटल मोबाइल विस्तार सेवाएं तथा कॉफी कनेक्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप कॉफी उत्पादकों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराएगा, नवीनतम तकनीक से काम करना बताएगा तथा अधिकारियों एवं उत्पादकों के बीच समन्वय, पारदर्शिता एवं सब्सिडी वितरण को लेकर बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायता करेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने हिंदू मंदिरों में बलि दिए जाने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंकाई कैबिनेट ने हिंदू मंदिरों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य में देश के 100वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ए सिक्किम, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। सही जवाब है सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 100वें हवाई अड्डे के रूप में सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। अगला सवाल, लोकमंथन 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए पुरी, बी रांची, सी मदुरई, डी गुवाहाटी। सही जवाब है रांची। झारखंड की राजधानी रांची में लोकमंथन 2018 का आयोजन किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के साहित्यकार और विचारकों ने हिस्सा लिया। लोकमंथन 2018 का मुख्य विषय भारत बोध जनगणमन है। अगला सवाल, वित्तीय समावेश पहल के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? ए डिजिटल मनी, बी जन धन दर्शक, सी डिजिटल पावर, डी जन धन शक्ति। सही जवाब है जन धन दर्शक। वित्त मंत्रालय ने लोगों की सुविधा के लिए नया मोबाइल ऐप जनधन दर्शक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए बैंक ग्राहक पूरे देश में कहीं भी बैंक ब्रांच का पता, उनके एटीएम की जानकारी एवं आईएफएससी कोड की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत एमएसएमई को बिना बैंक ब्रांच गए ही 59 मिनट में अधिकतम 1 करोड़ तक का लोन मिल सकेगा। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर हैशटैग लव यू अभियान लॉन्च किया है? ए एप्पल, बी गूगल, सी फेसबुक, डी माइक्रोसॉफ्ट। सही जवाब है गूगल। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु शौचालय समीक्षा अभियान शुरू करने के लिए गूगल के साथ हैशटैग लव यू अभियान की शुरुआत की है।
यह अभियान लोगों को अपने अपने शहरों में गूगल मैप्स पर सार्वजनिक शौचालयों का पता लगाने के लिए तथा सार्वजनिक शौचालयों के प्रति लोगों का फीडबैक लेने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रीय स्तर का उद्यमी जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए सिडबी, बी एसबीआई, सी नाबार्ड, डी आरबीआई। सही जवाब है सिडबी। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा की शुरुआत की। अभियान के तहत 800 से अधिक प्रशिक्षु तैयार किए जाएंगे जो इन जिलों के आकांक्षी युवाओं को उद्यम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अगला सवाल, बंशीधर महोत्सव के लिए विख्यात झारखंड के किस अनुमंडल का नाम बदलकर श्री बंशीधर नगर कर दिया गया है? ए सिमरिया, बी हुसैनाबाद, सी जगन्नाथपुर, डी नगर उंटारी। सही जवाब है नगर उंटारी। बंशीधर महोत्सव 2018 के समापन पर नगर उंटारी अनुमंडल का नाम बदलकर श्री बंशीधर नगर कर दिया गया है। गढ़वा जिले में स्थित नगर उंटारी में हर वर्ष बंशीधर महोत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत में किस स्थान पर एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? ए पटना, बी रोपड़, सी लुधियाना, डी गुवाहाटी। सही जवाब है पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह भारत और एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र होगा जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजाति डॉल्फिन को बचाने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। अगला सवाल, किस देश के द्वारा बिजली की खपत कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? ए चीन, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। सही जवाब है चीन। चीन अपने शहरी इलाकों से स्ट्रीट लाइट हटाने और बिजली पर खर्च घटाने के मकसद से 2020 तक अपना खुद का कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल में तुर्गा पनबिजली परियोजना को स्थापित करने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस, बी जापान, सी स्पेन, डी अमेरिका। सही जवाब है जापान। भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्गा पनबिजली परियोजना को स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले की अयोध्या पहाड़ियों में स्थित तुर्गा नाला के बारिश के जल से 4 रिवर्सिबल पंप टरबाइन के माध्यम से 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी। अगला सवाल, किस देश ने विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है? ए सेशल्स, बी ब्रिटेन, सी फिजी, डी चीन। सही जवाब है सेशल्स। सेशल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है जिसका उद्देश्य सामुद्रिक एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ $310 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए विश्व बैंक, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी एशियाई विकास बैंक। सही जवाब है विश्व बैंक। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने नई दिल्ली में झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए $310 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला सवाल, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ए बिहार, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है बिहार।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 25,000 रुपये मिलेंगे। अगला सवाल। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? ए सक्षम, बी कौशल, सी रेल साथी, डी कर्मयोगी। सही जवाब है सक्षम। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट सक्षम का लक्ष्य भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की कौशल क्षमता को बढ़ाना है। अगला सवाल। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस राज्य को फोकस राज्य चुना गया है? ए असम, बी गुजरात, सी झारखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है झारखंड। गोवा की राजधानी पणजी में भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के इस वर्ष के लिए फोकस राज्य झारखंड को तथा फोकस देश इजराइल को बनाया गया है। अगला सवाल। भारत के प्रथम जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? ए करनाल, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी नई दिल्ली। सही जवाब है नई दिल्ली। यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली स्थित मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में भारत का पहला जीन मोनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। यह संस्कृति, साहित्य, शिक्षा और समाज में भारत यूरोपीय संघ के अंतर विषय अध्ययनों को आगे बढ़ाने के लिए 1,00,000 यूरो के अनुदान के साथ स्थापित किया गया। अगला सवाल। किस राज्य के हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, इसलिए उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था? ए ओडिशा, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर। सही जवाब है मेघालय। मेघालय हाई कोर्ट ने संसद से एक कानून लाने का अनुरोध किया है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, गारो, खासी और जयंतिया लोगों को बिना किसी सवाल या दस्तावेजों के नागरिकता मिले। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि विभाजन के समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था। अगला सवाल। वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ए रांची, बी इंदौर, सी भुवनेश्वर, डी अमरावती। सही जवाब है रांची। केंद्रीय कृषि मंत्री ने रांची में वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया। दो दिवसीय वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन 2018 का उद्देश्य झारखंड में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में चीन, इजराइल, मलेशिया, फिलीपींस, मंगोलिया, ट्यूनिशिया और मोरक्को देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अगला सवाल। देश का प्रथम संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के थिरुवियारू में देश का पहला संगीत संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। थिरुवियारू संत त्यागराज का जन्मस्थल है जो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। अगला सवाल। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए नरेंद्र मोदी, बी चेतन भगत, सी मनमोहन सिंह, डी शशि थरूर। सही जवाब है मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक चेंजिंग इंडिया का दिल्ली में विमोचन किया गया। इस पुस्तक में मनमोहन सिंह के जीवन चरित्र सहित भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति मुद्दों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा धान की उन्नत खेती के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2018 प्रदान किया जाएगा? ए
बिहार, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है झारखंड। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में धान की उन्नत खेती के लिए झारखंड को कृषि कर्मण 2018 पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस पुरस्कार के लिए झारखंड का चयन धान की कैटेगरी में किया है। अगला सवाल, किस देश ने 5 सरोवरों वाले प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंचतीर्थ को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? ए नेपाल, बी कंबोडिया, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने पेशावर स्थित 5 सरोवरों वाले प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंचतीर्थ को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है। इस राष्ट्रीय विरासत को नुकसान पहुंचाने वाले को 20 लाख रुपए और 5 साल जेल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए तस्लीमा बेगम, बी गीता गोपीनाथ, सी अमीना खातून, डी अनन्या वाजपेयी। सही जवाब है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है। गीता गोपीनाथ यह दायित्व संभालने वाली पहली महिला हैं। अगला सवाल, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ए असम, बी बिहार, सी सिक्किम, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने सिक्किम के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी का अधिकार देती है। अगला सवाल, झारखंड में कुत्तकू मंडल डैम का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है? ए तोरई जलाशय परियोजना, बी दामोदर नदी घाटी परियोजना, सी उत्तरी कोयल नदी सिंचाई परियोजना, डी स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। सही जवाब है उत्तरी कोयल नदी सिंचाई परियोजना। केंद्र सरकार ने उत्तरी कोयल नदी पर 40 वर्ष पूर्व प्रस्तावित उत्तरी कोयल नदी सिंचाई परियोजना के पुनरारंभ का निर्णय किया है। इस परियोजना के तहत झारखंड के कुत्तकू मंडल में 64.82 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिसे मोहम्मदगंज बैराज और इंद्रपुरी बैराज द्वारा जल की आपूर्ति की जाएगी। अगला सवाल, निम्न में से कौन महिला प्रतिष्ठित ग्लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? ए हिमा दास, बी मैरी कॉम, सी मिताली राज, डी विनेश फोगाट। सही जवाब है विनेश फोगाट। पहलवान विनेश फोगाट प्रतिष्ठित ग्लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। विनेश फोगाट ग्लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर श्रेणी के लिए नामांकित हुई हैं। अगला सवाल, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? ए भारत माता एक्सप्रेस, बी वंदे भारत एक्सप्रेस, सी वंदे मातरम एक्सप्रेस, डी भारत दर्शन एक्सप्रेस। सही जवाब है वंदे भारत एक्सप्रेस। देश में निर्मित ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस होगा। पहली ट्रेन 18 नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी। आखिरी सवाल, ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? ए पुणे, बी रांची, सी नैनीताल, डी हैदराबाद। सही जवाब है रांची। निजी क्षेत्र में राज्य के भीतर और बाहर झारखंड के करीब 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से रांची के खेल गांव में ग्लोबल स्किल समिट 2019 आयोजित किया जाएगा।
सम्मेलन में 12 देशों के राजदूत समेत कई विदेशी प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के लिए हमारे वेबसाइट hindvanshieducation.com पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।